भाई एक से एक एकदम झूला यहाँ पर लगा हुआ है। अब हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों तो हम लोग आज आ गए सिवान के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला में भोकाल मचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं मेला का माहौल कैसा है, टकाटक मेला का माहौल है कि नहीं। तो देख लीजिए हमारे दोस्तों यहाँ पे आए एकदम ठीक है। चलिए तो मेला के अंदर लेके चलते, ठीक ना, एकदम जबरदस्त वाला। टिड्डा भाई आ रहे हैं मस्ती करते हुए मेला में से एकदम दबा के। मेला मस्ती दबा के। ओ भाई जबरदस्त भाई ओपी भाई, एक से एक एकदम झूला यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तो हम अभी यहाँ पे ऊपर खड़ा हुए हैं और चलते हैं अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं माहौल कैसा है। देख रहे हैं भाई एकदम पूरा जगमगा गया है, बत्ती बत्ती पूरा लग रहा है एकदम दबा के। लीजिए तो पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि इधर क्या क्या दुकान लगा है और क्या क्या इधर मिलता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे भैया का पान का दुकान है, और ये बनारसी पान है भाई। वाह भाई वाह। पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ, यहाँ पे मक्खन मसाला वाला सब कुछ मिल रहा है, पॉपकॉर्न यहाँ पे देख लीजिए। और इधर देखिए एकदम पूरा माहौल ही माहौल है, एकदम पूरा गर्मा गर्म माहौल है मेला का, जो कि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड के मेला में लगा हुआ है ऐसा माहौल। चलो का खिलौना मिल रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, टोटल खिलौना दिखने में लग रहा है यहाँ पे कि टोटल खिलौना है यहाँ पे, देख रहे हैं एकदम मस्त है दुकान भाई, एकदम बत्ती जगमगा गया है मेला में, एकदम माहौल एकदम टकाटक है। तो चलिए भैया से कुछ पूछते हैं कि भैया घर कहाँ है। तो भैया आप कहाँ से होंगे आप? बिहार से। बिहार से? बिहार में मतलब कहाँ से? बक्सर जिला से। बसंत जिला से? बक्सर। बक्सर जिला से? तो चाचा आप कहाँ से है? पटना। पटना से आप आए हैं। चलिए मेला का माहौल कैसा है? मस्त है ना। कहाँ से भैया आप? सिवाने से। तो मेला का माहौल कैसा है? बढ़िया है ना एकदम। तो ज्यादा मतलब भीड़ आज नहीं दिखने में लग रहा ना? अच्छा एक दो दिन के बाद से भीड़ होगा ना? अच्छा दो दिन स्टार्ट होते हुए ना। ओ भाई ये देखिए लकड़ी का सामान बना हुआ है यहाँ पर, बिक रहा है लकड़ी का सामान, मतलब पूरा एकदम दबा का बना है, क्या जबरदस्त बना है। चलिए पूछते हैं भैया कहाँ से। तो भैया आप लोग कहाँ से? भैया कहाँ से आप लोग? सहारनपुर से, यूपी से। तब मेला का माहौल कैसा है? जबरदस्त है, पर आज ज्यादा भीड़ नहीं है? भीड़ होगा, धीरे धीरे होगा। अच्छा धीरे धीरे भीड़ होगा ना, मेला भी जम रहा है ना। चलिए ठीक है। देख रहे हैं जिसपे मतलब आप रिंग पहना दीजिए वो आपका रकम हो जाएगा। देख रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे, बिस्कुट चॉकलेट मिठाई उठाई सब कुछ है, और यही रिंग है। तो इसके बारे में हमारे भैया बताएंगे आपको कि गेम का क्या प्रोसेस है, गेम कैसे खेला जाता है, ठीक ना। तो आइए भैया से पूछते हैं। तो भैया पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है एमडी आजाद आलम। एमडी आजाद आलम, और आपका घर मतलब आप कहाँ से आए हुए? हम औरंगाबाद जिला से है, मेरा घर रविगंज पड़ता है। रविगंज, चलिए बढ़िया है। तो भैया ये गेम का क्या प्रोसेस है? ये गेम का प्रोसेस ये है सर, ये रिंग है ना, ये इसमें जाएगा, जिसको भी मिलेगा ये उसका ये आइटम हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ 30 रुपए का 6 रिंग है, ये 30 रुपए का 6 रिंग है, और जो भी मतलब आपको देख रहे हैं पर जो भी आइटम दिख रहा है अगर उस पे आप उसको रिंग को पहना देते हैं तो मतलब ये आइटम आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो भैया इस गेम को कैसे खेला जाता है? तो ये गेम है सर, ये कटोरा है, इसमें 6 बॉल है, ठीक है जी हाँ। आपको रेड लाइन के अंदर से खेलना है, ये 6 बॉल जिस नंबर में जाएगा टोटल ऐड होगा, ऐड करके जो भी नंबर बनेगा 6 बॉल का वो सब इनाम नंबर लगा हुआ है, वही फोन वही नंबर का इनाम आपको मिलेगा। 30 रुपए का 6 बॉल है, इनाम नहीं आने पे पैसा वापस हो जाएगा। इनाम नहीं आने पे पैसा वापस? वाह भाई क्या जबरदस्त मतलब दिया है कि इनाम नहीं मिलने पर मतलब नंबर नहीं आने पर पैसा वापस कर दे रहे, देख रहे भैया। टीवी भी है, मिक्सर भी है, फ्रिज भी है, सब चीज है, मतलब सब कुछ है ना। तो देख लीजिए भैया, तो देख लीजिए भैया का बताने का मतलब ये है कि ये 6 गेंदा है, कितना प्राइस है इसका? 30 रुपए बस। इसका भी 30 रुपए प्राइस है, और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, और इसमें आपको मतलब इसको पिलाना है, और ये देख रहे हैं जो नंबर यहाँ पर लगा है पूरा एकदम, अगर जो नंबर आपका आ जाएगा ना मतलब फ्रिज का हो या फिर टीवी का हो या फिर वॉशिंग मशीन का हो या फिर कूलर का हो तो भैया आपको दे देंगे, अगर जो आपका नंबर नहीं आता है ना तो ये आपका जो 30 रुपए है वो आपको रिटर्न कर देंगे। मतलब ऐसा गेम मतलब क्या बताए आपको, बहुत ही लाजवाब है। गिलास गिराने वाला गेम है सर, ठीक है, गिलास गिराने वाला गेम है, जिसमें से आप जो बोलिएगा वो देंगे, एक बार का 20 रुपया है, एक गिलास टेबल पे खड़ा रहेगा इनाम नहीं मिलेगा, इसका यही प्रोसेस है। तो भाई डिज्नीलैंड मेला मिस मत करिए, लो देख लो इतना मतलब इधर बना है, गेम भी बा और झूला भी बा और बहुत चीज लागल बा, ठीक बा। तो आके एक बार मजा जरूर लियो दीदी। तो देख लीजिए भैया बैलून रखे हुए पूरा एकदम दबा के एकदम पूरा लगाया है दुकान में, ठीक ना। देख रहे हैं कितना जगमग जगमग कर रहा है बैलून का, देख रहे हैं ये बत्ती बैलून है। और देख लीजिए भैया यहाँ पे मिक्सर का भी दुकान लगाए हुए हैं। तो भैया आप कहाँ से? भैया आप कहाँ से? सहरसा।
वाह भाई वाह। तो मेला का माहौल कैसा है? जबरदस्त है ना? चलिए ठीक है। यहाँ पर टैटू भी बनाया जाता है एकदम, कहीं भी छपा सकते हैं हाथ पे, मतलब कहीं भी पूरा बॉडी पे। तो आइए आपको हम दिखाते हैं गन शूटिंग वाला गेम। वाह भाई एकदम गब्बर वाला निशाना है भाई, एकदम जबरदस्त पुचकारी मार रहे हैं बंदूक से, एकदम गोला गोला निकल रहा है, बुलबुल निकल रहा है, देख रहे हैं भैया। वाह भाई वाह। क्या प्राइस है भैया उसका? क्या 80 रुपया का प्राइस है? ओ भाई क्या जबरदस्त देख रही है, क्या ओ जबरदस्त। अरे बाप रे बाप, स्टार्ट हो गया भाई, उसी दिखाए थे ना, टावर झूला स्टार्ट हो गया है ठीक ना। तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन आया था डिज्नीलैंड में टावर झूला का मजा लिया है ठीक ना। तो वीडियो में बताना कमेंट करके, देख रहे भाई। तो भाई साहब आप कहाँ से, आपका नाम क्या होगा? अमित। और घर आपका कहाँ होगा? मुजफ्फरपुर। वाह भाई बहुत दूर से है। तो मतलब ये आपका क्या क्या, मतलब दुकान में क्या क्या उपलब्ध है? तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो मटेरियल दिख रहा है ना फोटो में, ये सब मतलब भाई के पास मिलता है एकदम दबा के। भाई देख लीजिए कितना जबरदस्त झूला लगा हुआ है बच्चा के खेलने के लिए, देख रहे कितना जबरदस्त है एकदम, मतलब क्या बताए मस्त लग रहा है एकदम। इसमें तो जंपिंग मारने में तो इतना मजा आएगा ना भाई, हमको देता ना खेलने के लिए, भाग गया झूला वाला है पता है। तो दोस्तों देख लीजिए इधर बच्चा के खेलने वाला बत्तख झूला लगा हुआ है ठीक ना, देख रहे है। तो यहाँ पे ओनली बच्चा खेल सकता है इस झूला पे, बड़ा आदमी नहीं खेल सकते हैं। इसे कहते हैं बतख झूला। अ भाई कौन झूला, कौन झूला है? बतख झूला। कितना प्राइस है? 20 रुपया। 20 रुपया एक टिकट पास लेंगे और यहाँ पे आकर टिकट देंगे, और टिकट खा देंगे और खिलाएंगे लो। खिलाएंगे लो तो मतलब खाली बच्चों खेलेगा कि हम लोग खेलेंगे? नहीं सर, खाली बच्चा 10 साल से नीचे। चलिए ठीक है, चलिए एक बार हाय बोल दीजिए। छुक 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 छुक। ओ भाई दम दबा के मजा लेते हुए। तो भैया झूला का क्या प्राइस है? 40 रुपया। कितना देर तक? 12 राउंड है। 12 राउंड। चलिए बढ़िया, चलिए ठीक है। तो देख लीजिए भैया झूला है बच्चा लोग का, 12 राउंड खिलाएंगे 40 रुपया में एकदम। और देख रहे हैं कैसे मजा ले रहा है। देख लीजिए दोस्तों बाबू लोग वाटर वाला पार्क में मस्ती करते हुए, देख रहे हैं नाव पर कैसे मस्ती कर रहे हैं बाबू लोग। बाबू लोग हाय बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हाय कर दो। देख रहे हैं भाई कैसे मस्ती कर रहे हैं पानी में, और देख रहे हैं, देख लीजिए भाई कैसे मस्ती कर, मजा होता है, मजा मजा होता है बाबू, मजा होता है, थोड़ा बढ़िया मजा कर लो, एंजॉय कर लो एकदम दबा के। हाथी का है। तो देख लीजिए भैया ये वाटर पार्क जो यहाँ पे खोले गांधी मैदान में, इनसे आपको बात करें। भैया आपका नाम क्या होगा? ऋतिक कुमार सिंह। और मतलब आपका घर कहाँ से? गोपालगंज से। कितना ले रहे हैं चार्ज इसका झूला, मतलब ये पानी में खिलाने के लिए? 40 रुपया। कितना टाइमिंग है इसका? 5 मिनट तक। चलिए ठीक है, 2 मिनट ज्यादा खिला देते ना। चलिए बढ़िया, बच्चा का है तो 2 मिनट ज्यादा खिलाते तो बहुत बढ़िया काम है। तो देख रहे हैं भाई एकदम मजा आता नू है, चलो मजा लो मजा लो। तो दोस्तों देख लीजिए बतख वाला झूला है, पर भीड़ नहीं होने के कारण झूला शांत है, कोई बात नहीं अगला दिन झूला मतलब झूलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये भी देखिए आकाशी झूला है, इसका नाम नहीं जानते हैं पर इतना जानते हैं कि देख रहे हैं आकाश में, इसीलिए बोल रहे आकाशी झूला है। भीड़ नहीं होने के कारण सभी झूला भी स्टॉप है, कोई बात नहीं भाई। देख लीजिए हम सभी झूला का मगर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पर झूला चल नहीं रहा है दोस्तों, क्या बताएं, मतलब भीड़ ज्यादा नहीं है इसीलिए सब झूला स्टॉप है। देख रहे हैं ये ब्रेक डांस झूला, और ये भी झूला स्टॉप है ओनली, मतलब क्या बात है, खाली बच्चा वाला चल रहा है, देख रहे हो खाली बच्चा वाला झूला चल रहा है, काहे चल रहा है, काहे के मेला में भीड़ नहीं है। आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया। भाई देख रहे हो झूला और बत्ती, मतलब क्या बताए हम लोग का देश का पहचान। तो दोस्तों देख लीजिए ये झूला कौन सा झूला है, तो चलिए इसके बारे में भैया से पूछते हैं। तो भैया ये कौन सा झूला है? थोड़ा थोड़ा। और इसका प्राइस कितना है? 60 रुपया। और आपका घर कहाँ होगा? मीरगढ़। तो दोस्तों देख लीजिए ये बाबू लोग बहुत एंजॉय किया है मेला में। बाबू कैसा लगा है मेला में? बहुत अच्छा मेला लगा है, बहुत अच्छा मजा आया है। कौन सा झूला खेले हो? सब झूला खेले हो, मतलब मजा लिया हो ना एकदम बढ़िया से? है तो मेला कैसा है एकदम? बहुत अच्छा लगा है।
बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं लोग। और आपका नाम क्या होगा? आयान अली। आयान अली, कहाँ से आप? पैगम्बर। पैगम्बरपुर से। चलिए चलिए ठीक है, पढ़ाई होता है ना। हाँ। चलिए एक बार हाय बोल दीजिए।